अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज बनाते हैं मटन चाप फ्राई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले हमने कुकर लिया है, उसमें हम चाप को डाल देंगे अच्छे से धोकर। फिर उसमें हमने अदरक लहसुन नमक और हल्दी डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला थोड़ा अच्छा डालेगा, फिर उसको दो सीटी लगा देंगे। फिर हम चलते हैं, बाउल लिया है, उसमें हमने लिया है दही, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्ची ली, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। फिर हमने काला नमक लिया है, धनिया का पाउडर लिया, कुटा हुआ धनिया भी लिया, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। फिर उसमें हमने डाला है फूड कलर डाला है। फिर उसमें हमने गरम मसाला डाला, उसको मिक्स कर दिया है। मिक्स 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 के बाद फिर हमने उसमें डाला है लहसुन का पेस्ट और नींबू। फिर हमने उसको मिक्स कर लिया। फिर उसमें डाला है कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा। मैदा डालने के बाद फिर हमने इसको कर लिया है मिक्स और इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई करा है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।